नमो नमोसिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्यायाणं नमो लोये सुवसाहणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकालं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चाने चास्तिकाया ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान यस्स शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौ विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो उज्जवणमुज्जवणं निर्वहणं साहणं च निथरणं दंसननानचरितमाणमाराहणा भण्या ओङ्कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्दानां ज्ञानाञ्जयशलाकया चक्षुरुन्मिलितं एव तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमगुरवे नमः परम्पराचार्यगुरवे नमः <coughs> सकलकलुषविध्वंसकं श्रेसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदम् शास्त्रं श्रीमूकुमाटीनामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री, श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्यविद्यासागरजीविरचितग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गुणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु जयतुषासनम् गुरुवर्षि आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुवरों के चरणों में भी त्रिवार नमोस्तु 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 साधर्मी बहनों और भाइयों सस्नेह जय जिनेन्द्र हम दो छियालीस पृष्ठ पर चल रहे हैं गत रविवार को हमने इंद्र धनुष की बात की अंत के विचारों में हमने देखा कि इंद्र ने अपना धनुष इंद्र धनुष बाहर निकाला और इंद्र कहता है कि मैं यथाकार बनना चाहता हूं व्यथाकार नहीं तदाकर बनना चाहता हूं तो इसमें आचार्य ऋषि ने अपनी भावना भी व्यक्त की है कि यह हमारी संस्कृति अमर रहे असीम काल तक वह जागृत रहे जीवित रहे अजीत रहे क्यों कि वह सहज प्रकृति का श्रीकार है श्रृंगार है जिसमें वह आकृत होता है दिखाई देता है पर विश्व के सामने वह कभी नहीं आता अब यहां हम थोड़ा सा और विचार करके आगे चलेंगे कि यह इंद्र किस रूप में आचार्य श्री ने यहां वर्णित किया है सत्ता के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इस आकाश के अवकाश में सात वस्तुएं सात पदार्थ सात द्रव्य जो सत्तावान है अस्तित्ववान है उनकी सत्ता अमर है वे कभी अपने अस्तित्व को छोड़कर नहीं जाते न जन्मे हैं, न मरेंगे उसमें जीव एक चेतना युक्त है ज्ञान युक्त है अनंत गुणों से युक्त है बाकी पांच अजीव है हमारा जीव चेतना से प्रकाशित स्वयं प्रकाशमान है और ये अजीव जो है वो प्रकाश है प्रकाश में दिखाई देते हैं विश्व जिस ज्यादा विशेषकर पुदगल प्रकाश में उनका दर्शन होता है अब इंद्रिय शब्द इंद्र शब्द की ओर थोड़ी सी चिकित्सा करेंगे इंद्र देवों का राजा है और हमारे जो पंच इंद्रिय हैं नाक कान आ, रसना स्पर्शन ये इंद्रिय शरीर के अंग है इनका स्वामी शरीर है इन पंचेंद्रियों का स्वामी शरीर है पर इस शरीर के इन पंचेंद्रियों का भी स्वामी कौन है ऐसा एक प्रश्न आता है मन में उठता है इन पंचेंद्रियों का आकृति इनकी आकृति हमें शरीर के अंग प्रत्यंगों में दिखाई देती है पर इनके पीछे इनको चलाने वाला जो भाव संसरण है वह उनका स्वामी कहा से उसका उपादान कौन है कहां से निकलता है तो हमने बात की थी कि यह आत्मा है इंद्र है जो इंद्रियों इंद्रियों के लक्षण से युक्त है वह इंद्रिय तो इंद्र है शरीर पुद्गल और इसका भी स्वामी इनको चलाने वाला पीछे से चेतना का ज्ञान गुण आत्मा का ज्ञान गुण ये उसका स्वामी है अब ये स्वामी अदृश्य रहता है अमूर्त होता है दिखाई तो नहीं देता सामने नहीं आता पर पीछे से अपना काम करता है अब इसके भी दो विचार हमने देखे थे संक्षेप में कि यह अपना धनुष्य निकालता है जो सतरंगी है मनोहर आकार वाला है इसमें सात रंग है मैं तो कहती हूं वैसे अनेक रंग है आत्मा के इस आत्म नामक इंद्र के देवों के देव भी जिसे जिनका वह राजा है वह आत्मा अनेक रंगों वाला है अनेक गुणों वाला अनेक शक्तियों वाला है प्रमुख शक्तियां तो हम गिनते ही है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर अनंत सुख आनंद ये सारी शक्तियों का धनी जो इंद्र है वह आत्मा है वह अमूर्त है फिर शरीर पर ये जो इंद्रिया हमें दिखाई दे रही है वे तो पुद्गल है इंद्रिया कहते हैं उन्हें आध्यात्मिक की भाषा में वे केवल द्रव्य है द्रव्य है पुद्गल द्रव्य है वे पर इनको पीछे से चलाने वाला जो भावेंद्रिय है वो भाव ही आत्मा के है तो इनका भी स्वामी हुआ आत्मा ऐसा इंद्र अनेक रंगों से विभूषित है अनेक रंगों से विभूषित है ज्ञान लक्ष्मी जिसका आकार है ऐसा मनहर आकार इंद्र धनुष लेकर अनेक रंगों में रंगा ये अनेक रंगों में रंगा ऐसा क्यों कहा जैसा कि इंद्रधनुष विविध रंगों में एक दिखाई देता है वैसा यह हमारा आत्मा भी अनेक गुणों में एकता प्रदर्शित करता है अनेक गुणों की एकता अनेक रंगों की एकता उसमें है वास्तव में रंग तो पुद्गल की पर्याय है पर यहां हमें ज्ञान के विविध रंग लेने हैं आत्मा के अनंत शक्तियों के विविध रंगों में जो एकता दिखाई देती है ज्ञान में उसके ज्ञानलक्ष्मी में वह ज्ञान लक्ष्मी हर रंग से हर गुण से हर शक्ति से जुड़ी हुई है उनके भावों को वह संसरण कराने वाली है यह बात बड़ी विशेष है कवि के मन के भावों को समझना एक जटिल कार्य है और जिसमें ऐसा महाकवि हो आचार्य श्री जैसा कि शब्दों के माध्यम भी उनके आगे नाचते हो ऐसे विविध शब्द और उनके पीछे छिपे भावों को समझना सचमुच हम कितने अधूरे हैं ज्ञान लक्ष्मी तो उनके पास है विविध रंगों में रंगी है पर हम इतने अल्पमति है हमारे ज्ञान का उगाड़ हमारे ज्ञान का क्षय इतना कम है कि हम उसे कम ही समझ पाते हैं फिर भी इस अल्पमति ने मैंने जो समझ पाया आपके सामने रखा थोड़ा प्रास्तविक लंबा हो गया परंतु गत रविवार को एक छंद को पूर्ण करने की जल्दी में जो बातें छूट गई थी वो आज मैंने फिर से ले ली अब हम आगे चलेंगे कि विविध ज्ञेो में ज्ञान की एकता जहां दिखाई देती है ऐसा इंद्रधनुष ज्ञान लक्ष्मी का आकार स्वीकार लेकर आकृत होता है वास्तव में वह आकृति होकर भी निराकूल निराकृत है निश्चित निराकृत है आकृति उसके कुछ भी नहीं है वो दिखाई नहीं देती ना जब आत्मा ही दिखाई नहीं देता तो आत्मा के गुण भी नहीं दिखाई देते उनकी एकता भी नहीं दिखाई देती ज्ञान का कोई रूप रंग हमें दिखाई देता है दर्शन का वीर्य का सुख का आनंद का नहीं पर वह भाषित तो होता है अनुभव में आता है उसकी अनुभूति होती है आगे चलते हैं हम पृष्ठ दो पर चल रहे हैं आज इंद्र का पुरुषार्थ सीमा छू रहा है दाहिने हाथ से धनुष की डोर को कान कांत पूरा खींच कर निरंतर छोड़े जा रहे हैं तीखे सूची मुखी बाणों से चिदे जा रहे हैं, भिदे जा रहे हैं, विद्रुप विदीर्ण हो रहे हैं बादल दलों के बदन सब इंद्र धनुष का उपयोग करने की जो रीति है कि दाहिने हाथ से धनुष पकड़ना है और दाहिने तक उसकी प्रत्यंशा जो है डोरी जो है वह दाहिने कान तक पूरी खींच कर उस पर लगा बाण छोड़ना पड़ता है जो बाण की धनुष की कला सीखने वाले हैं वो इसे समझ सकते हैं तो निरंतर यह इंद्रधनुष्य के माध्यम से बाण छूट रहे हैं कैसे है बाण तीखे सूची मुखी बाण सूची मुखी अत्यंत नुकीले सुई के समान इन सुई के समान नुकीले बाणों से बादलों के सारे अंग प्रत्यंग छिदे जा रहे हैं भिदे जा रहे हैं बादल छिदे जा रहे हैं, बादलों के टुकड़े हो रहे हैं उन्हें वे बाण चुभ रहे हैं विद्रुप हो रहे हैं, विदीर्ण हो रहे हैं बादल दलों का बदन सब बादल दलों का बदन विदीर्ण हो रहा है वे छिदे जा रहे हैं उनको जख्म हो रहे हैं बरबर <laughs> -बर मरमर सी हो आई स्थिति उनकी दयनीय सी गति रुलाई आ गई रोने लग गए जब बाण लगता है शरीर पर जख्म होते हैं छिदे जाते हैं भिदे जाते हैं टुकड़े होते हैं तो उनको रोना आ गया बरबर -बर मरमर सी हो आई स्थिति उनकी अत्यंत दयनीय मरमर हो गए चरचर -चर हो गए और ऐसी दयनीय गति के कारण उन्हें रोना आ गया जहां देखे वहां भूकण ही भूकण थोड़े से शेष है जलकण यही कारण है कि सागर ने फिर प्रेषित किए जल भरे लबालब बादल दल और साथ ही साथ आगे क्या करना है यह भी सूचित कर दिया इन तीन बादलों की स्थिति तो दयनीय हो गई इंद्रधनुष से छूटे बाणों ने उनको विदीर्ण कर दिया और वे रोने लग गए विदीर्ण हो गए विद्रूप हो गए रोने लग गए तो सागर को देखा नहीं गया क्योंकि इन जल इन भूकणों का जो हमला हुआ उससे थोड़े से ही जलकण उनमें बचे थे अब वे क्या प्रलय लाएंगे और धरती को क्या डुबाने वाले थे वो थोड़े से जलकण तो सागर ने इसी कारण से लबालब भरे बादल जल से भरे बादल फिर से भेज दिए और उनको समझा दिया सूचित कर दिया कि आगे तुम्हें क्या करना है सिखा कर भेजा कि आगे तुम्हें क्या करना है सूचित भावानुसार तुरंत बादलों ने बिजली का उत्पादन किया क्रोध से भरी बिजली कौंदने लगी सबकी आंखें ऐसी बंद हो गई चिपक गई हो गोंद से कही सूझबूझ सी गई उनकी सूझबूझ सी गई उनकी और की क्या कथा निसर्ग से अनिमेश रहा इंद्र भी निमिष भर से निमेश वाला बन गया यानी इंद्र की आंखें भी बार बार पलक मारने लगी तभी इंद्र ने आवेश में आकर अमोघ अस्त्र वज्र निकालकर बादलों पर फेंक दिया कहते हैं ना युद्ध से कथा रम्य होती है युद्ध की कथाएं पढ़ने में बड़ा मजा आता है लोगों को तो ये सारी युद्ध की कथा चल रही है बादलों में धरती जलकण इंद्र उसका धनुष धूलिकण और सागर ने भेजे बादल इन सब में एक युद्ध चल रहा है आकाश में तो जैसा सागर ने सूचित किया था वैसे वे बादलों ने क्या किया बिजली का उत्पादन किया बिजली का उत्पादन किया बिजली कौंधने लगी क्रोध से भरकर कौंधने लगी गड़गड़ाहट होने लगी तो बिजली के उस कौंधने से चमकने से इतने जोर से चमकती है बिजली और गड़गड़ाहट कड़कड़ाहट करती है कि वह बिजली के चमकने से ही कौंधने से ही सबकी आंखें ऐसी बंद हो जाती जैसे गोंद लगाकर चिपका दिया उन्हें गोंद लगाकर चिपक गई हो सबकी आंखें जैसी या सूझबूझ बुझ सी गई उनकी <laughs> सूझबूझ क्या हो रहा है समझने की क्षमता बुझ। उनकी सूझबूझ को बूझ सी गई सूझबूझ का बूझना यानी सूझबूझ नहीं होना जैसे नींद में सारे आंखों के सामने के दृश्य खत्म हो जाते हैं बूझ से जाते हैं जैसे अंधेरा हो जाता है अज्ञान हो जाता है तो वैसी उनकी भी आंखें सूझबूझ सी बुझ गई उनकी समझने की क्षमता एक क्षण के लिए बिजली के कौंधने से <coughs> मानो बुझ गई कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है <coughs> और की क्या कथा निसर्ग से अनिमेश रहा इंद्र भी निसर्ग से अनिमेश रहा अनिमेश होना यानी निसर्ग से निसर्ग को नहीं देखने वाला निसर्ग से दूर रहने वाला ऐसा इंद्र भी निमिष भर में क्षण भर में निमेश वाला बन गया ऐसा इंद्र भी क्षण भर में देखने लगा निमेश वाला बन गया क्षण निमेश निमिष किसको कहते एक क्षण जिसे हम समझते हैं समय नहीं समय तो उस निमेश की उस क्षण की एक अत्यंत सूक्ष्म अवस्था है जिसे फिर से और भी इससे आगे उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते ये समय नहीं है ये क्षण है क्षण भर के लिए वह इंद्र भी जो निसर्ग को खुदी आंखों से भी नहीं देखता था अब देखने लगा इंद्र की आंखें बार बार पलक झपकने लगी क्योंकि बिजली कौन रही थी ना तो उसकी आंखें भी बंद होकर खुलना बंद होकर खुलना झपकना बार बार वो बिजली की कौन से उसकी आंखें भी झपकने लगी यानी इंद्र के भी समझ में नहीं आने लगा कि ये क्या हो रहा है वो भी क्षण भर के लिए निमेश वाला बन गया निमिष भर में निमेश वाला बन गया उसकी आंखें भी कोंदने लगी पलकें झपकने लगी इंद्र की आंखें भी बार बार पलक मारने लगी तभी इंद्र ने आवेश में आकर क्या किया अपना अमोघ अस्त्र वज्र निकाल लिया इंद्र वज्र इंद्र के आयुध को शस्त्र को वज्र कहते हैं यह आयुध बड़ा ही नुकीला होता है जैसे नुकीला कोई अत्यंत नुकीला पत्थर होता है बड़ा सा वह इंद्र वज्र के समान अत्यंत कठोर और छेदन भेदन करने वाला होता है जिस पर यह इंद्र वज्र गिरता है वह बच नहीं सकता अमोघ है उससे वह बच नहीं सकता अपने आप को बचा नहीं सकता ऐसा अमोघ अस्त्र वस्त्र वज्र निकालकर बादलों पर फेंक दिया बादलों पर फेंक दिया तो उससे क्या हुआ बादलों पर फेंकने से बादल और भी जो बची खुची ताकत थी उनमें वो सारी खत्म हो गई वज्राघात से आहत हो मेघों के मुख से आह ध्वनि निकली जिसे सुनते ही सौरमंडल बहरा हो गया और उस वज्राघात से इतने आहत हुए वे बादल कि उनके मुख से आह निकलने लगी दर्द के मारे कराहने लगे वे और उनकी आह इतनी भयानक थी कि सारा सौर मंडल सारा आकाश जहां तक सूरज का प्रकाश फैलता है वह सारा आकाश भी बहरा हो गया मानो उसे कुछ सुनाई नहीं देता था इतनी आह उनकी गड़गड़ाहट के रूप में जैसे इतनी जोर से निकली कि सारा सौर मंडल उस गड़गड़ाहट से उनके कान भी बंद आंखें बिजली से बंद गड़गड़ाहट से कान बंद है ना डर जाते हैं लोग बादलों की गड़गड़ाहट से भी इतनी जोरों की गड़गड़ाहट होती है और उन बादलों ने रावण की भांति चीखना मेघों का रोना वह अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए और आग उगलती बिजली की आंखों में भूरी भूरी धूलिकुस घुस कर, गुश गुश कर देने, दुख देने लगे ऐसी विषम स्थिति को देखकर बिजली भी कंपने लगी इस कारण से शायद अगले पृष्ठ पर चले चपला चप चला चपला पलायु वाली बनी हो बिजली चला चपला पलायु वाली बनी हो बिजली अब ये वज्राघात हुआ वज्राघात शब्द में मूल शब्द है वज्र इंद्रिय का आयुध उसे वज्र कहा है ना तो उसका जो आघात होता है वो वज्राघात होता है वज्राघात हमें पता है कोई ऐसा भयानक संकट जब आता है तो वज्राघात हो गया ऐसा हम कहते हैं तो ये वज्र इंद्र का अस्त्र है इंद्र का शस्त्र है तो इससे को बचना मुश्किल है ऐसा भयंकर संकट तो इस वज्राघात से जो पीड़ित हो गए आहत हो गए उन मेघों के मुख से ऐसी आह ध्वनि ऐसी गड़गड़ाहट निकली कि जिसे सुनते सारा सौरमंडल बहरा हो गया और क्या किया उस सौर मंडल के उन नए भेजे बादलों ने वो रावण की भांति चीखने लगे रोने लगे मेघ मेघ सारे और ये सागर के लिए ये भी अपशकुवारे जिनको लबालब जल से भरकर भेजा था ये नए बादल भी सारे रोने लगे रावण की भांति कहते रावण उसी को कहते हैं जो रोते हुए जन्मता है भयानक रोता है रावण गड़गड़ाहट होती है उसके रोने की तो उनके रोने से सागर को लगा कि ये तो अपशकुन हो गया आग उगलती बिजली की आंखों में भी क्या हुआ कि इधर धुली कणों ने घुस घुस कर उसको दुस्सह दुख देने लगे बिजली तो की आंखों में भी घुस गए बादलों पर वज्रपात हो गया सारे तहस नहस होने लगे दुख दुस्त दुस्सह होने लगा ये विषम स्थिति निर्माण हो गई शत्रु पक्ष के सेना की सागर की सेना शत्रु पक्ष की सेना जो पृथ्वी पर प्रलय मचाने भेजी जा रही थी उनको इतने दूलीकणों ने और इंद्र वज्र ने इतने इतना तंग किया उनको कि वे सारे की सारे दुस्सह दुख से दर्द से कराहने लगे रोने लगे और सागर के लिए उनका रोना धोना यह असहनीय हो गया और यहां बिजली की उगलती आंखों में भी धूलिकणों ने घुस घुस कर उसे भी दूसरे दुख दिया इस विषम स्थिति को देखकर बिजली कंपने लगी अब वह कोई आवाज नहीं करती खाली चमकने लगी इसी कारण से शायद वह चला चपला पलायु वाली बनी बिजली चपला बिजली को कहते हैं अत्यंत चप्पल होती है ऐसे दिखती है एक समय के लिए एक क्षण के लिए और फिर नष्ट हो जाती है तो वह चला चपला पलायु वाली पलभर जिसकी आयु है वह पलायु जिसकी आयु पलभर की है क्षण भर की है वह पलायु वाली बिजली और जैसे मानो क्षणभंगुर बिजली नष्ट हो गई अदृश्य हो गई इस दुर्घटना को देख तुरंत सागर से पुनः सूचना मिलती है भयभीत बादलों को कि इंद्र ने असीम वस्त्र चलाया तो तुम राम बाण से काम क्यों नहीं लेते तुम राम बाण से काम लो इस दुर्घटना को देखकर बिजली भी परास्त हो गई बादल भी परास्त हो गए तो इस दुर्घटना को देखकर सागर से पुनः सूचना मिलती भयभीत बादलों को जो बादल भयभीत हो गए थे उनको सागर ने पुनः फोन किया सूचना दी कि इंद्र ने अमोघ वस्त्र चलाया तो तुम रामबाण चलाओ ना क्योंकि इंद्र को तो रामबाण ही केवल पलटा सकता है रामबाण में इतनी ताकत होती है कि वह इंद्र के वज्र को भी पलटा देता है वापिस भेज देता है रोक लेता है तो तुम राम बाण चलाओ ऐसा सागर ने उन बादलों को आदेश दिया पीछे हटने का नाम लो ईट का जवाब पत्थर से दो विलंब नहीं अविलंब ओलावृष्टि करो उपल वर्षा ये सागर ने उन बादलों को दिया आदेश पीछे मत हटना बादल सेना को कहा कि पीछे मत हटना दाम मत लेना पीछे हटने का उन्होंने ईट का पत्थर को फेंका है तो तुम ईट को फेंका है तुम पत्थर से जवाब देना यानी और भारी अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना विलंब मत करना अविलंब तुरंत करो ओला वृष्टि करो ओला वो आकाश से जो बर्फ गिरता है ओले कहते हैं उसको, छोटे बड़े जल कण बर्फ के समान जम जाते हैं वह ओला उसकी वृष्टि करो उपल वर्षा पत्थर जैसे ओले उनकी वर्षा करो उनका वर्षा करो उन्होंने इंद्र वज्र वज्र चलाया तो तुम रामबाण का प्रयोग करो और ये ओला क्या हुआ रामबाण हुआ जो इंद्र वज्र को भी रोक लेगा लो फिर बादलों में स्फूर्ति आई स्वाभिमान सचेत हुआ ओलों का उत्पादन प्रारंभ सो ऐसा लग रहा है उत्पादन नहीं उद्घाटन अनावरण हुआ है अपार मंडर का कहीं तो स्वामी की आज्ञा से सागर नामक स्वामी की आज्ञा से बादलों में भी फिर स्फूर्ति आ गई उनका स्वाभिमान सचेत हो गया और उन्होंने ओलो को निर्माण करना आरंभ कर दिया ऐसा लग रहा था केवल निर्माण ही नहीं उत्पादनी नहीं उद्घाटन अनावरण हुआ है उनका अपार भंडार का उद्घाटन अनावरण क्या होता है हम जानते हैं किसी वस्तु को नए सिरे से जब खोलना होता है तो उसका उद्घाटन करने के लिए किसी बड़े शक्ति को बड़े व्यक्ति को बुलाया जाता है फिर वो दरवाजे की रिबिन काट कर उसका उद्घाटन करते हैं तो इस प्रकार ओलों के उत्पादन की फैक्ट्री का उद्घाटन हो गया और अपार भंडार ओलों का निर्माण होने लगा कैसे ओले लघु गुरु अणु महा त्रिकोण चतुष्कोण वाले पांच पहलू वाले भिन्न भिन्न भिन आकार वाले भिन्न भिन्न भिन भिन भार वाले गोल गोल सुडोल ओले क्या कहे वहां जहां देखो तहां ओले ही ओले सारा सौर मंडल भर गया ओलों से कैसे ओले कितने आकार लघु गुरु छोटे बड़े अणु बिल्कुल छोटी जो दिखाई तक नहीं देते या महा बड़े बड़े कोई त्रिकोण है कोई चतुष्कोण है किसी के पांच पहलू है पांच कोणों वाले भिन्न भिन्न भिन आकार भिन्न भिन भिन्न भार वाले जिनका वजन ज्यादा है किसी का कम है किसी का ज्यादा है ऐसे भिन्न भिन्न आकार वाले भिन्न भिन्न भिन वजन वाले गोल सुडोल वाले ऐसे ओलों का उत्पादन आरंभ हो गया क्या कहे क्या बोले जहां देखो वहां ओले ही ओले सारा सौर मंडल ओलों से भर गया आगे चलते हैं अगले पृष्ठ पर 149। सो so, यह लेखनी तुलना करने बैठी सौर और भूमंडल की अब मजा आने वाला है युद्ध की रम्य कथा में जब क्लाइमेक्स पर बात आ जाती है तो पढ़ने वालों को भी बहुत मजा आता है कि अब किसका पराभव होगा कौन जीतेगा क्रिकेट के खेल में तक यही भाव हम देखते हैं जब अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है खेल तो ये स्थिति हो जाती है कि अब इतने रंस निकालने हैं और उतने में इतने कैसे निकलेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा फिर फटाफट कोई आता है धोनी और अनेक सिक्सर लगाकर दो चार फटकों में ही जीता देता है तो ये जो स्थिति है अत्यंत उत्कंठा की यह स्थिति देखकर उस कथा को सुनने वाले देखने वाले भी इतने उत्कंठित हो जाते हैं कि उन स्थितियों को देखने में सबके दिल से धड़कने लगते हैं अब आचार्य श्री की लेखनी तुलना करने लग गई है अब यह तुलना भी बड़ी अत्यंत प्रशंसनीय कहा पहुंच गए आचार्य श्री ऐसा लगेगा आपको सुनकर यहां सारा स्टार वार चल रहा है जो आकाश में चलता है युद्ध वो स्टार वार अब पहले जमाने में क्या होता था मैदान पर आमने सामने लड़ाई होती थी तलवारे भाले हाथी घोड़े और सैनिक उनका प्रशिक्षण ये होता था बाणों की वर्षा होती थी ये सारे रामायण में भी हमने ये सारे युद्ध के चित्र देखे हैं पर अब ऐसा नहीं होता अब आमने सामने जमीन पर युद्ध नहीं होता अब अवकाश में युद्ध होता है विमानों के माध्यम से बड़े बड़े मिसाइल्स बड़े बड़े बम दागे जाते हैं और सामने वाले को नष्ट तहस नहस के करने का प्रयास होता है एक आदमी नहीं मरता गांव की गांव शहर की शहर देश की देश मारे जाते जापान की स्थिति हमें पता है क्या कर दी थी इन लोगों ने अनुबम फेंक कर तो कहने का मतलब यह है कि यह आकाश की और भूमि की तुलना धरती की तुलना करने बैठी आचारि की लेखनी सौर और भूमंडल की सौर मंडल सौर यानी सौर मंडल और भूमंडल ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है तो इधर नीचे मनु की शक्ति विद्यमान है एक एक पंक्ति को बड़ी गंभीरता से लेना है ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है तो नीचे मनु की शक्ति विद्यमान है अणु छोटी से छोटी परमाणु जिनका अस्तित्व भी आंखों से दिखाई नहीं देता जिसे विज्ञान ने निर्माण किया है कहने का मतलब विज्ञान ने उसे स्पष्ट किया है ऐसे अणु और नीचे मनु अणु और मनु मानव मानव का ज्ञान ऊपर अणु की शक्ति विज्ञान की शक्ति विज्ञान से निर्माण अणुओं की शक्ति बम मिसाइल्स बड़े बड़े अग्नि के गोले और नीचे मनुष्य के ज्ञान की शक्ति एक युद्ध है विज्ञान और बुद्धि में विज्ञान और ज्ञान में और ज्ञान किसका ऐसा वैसा नहीं इस आत्मा का ज्ञान जो सारे कर्मों के हट पर केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होता है दुनिया के संसार के प्रत्येक वस्तु के परिणमन के भूत वर्तमान भविष्य की प्रत्येक पर्याय को जान सकता है ऐसा महा महा, महा ज्ञान उस ज्ञान की शक्ति और उषाणु की शक्ति इसकी तुलना करने बैठ गई आचार्य श्री की कलम ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है तो नीचे मनु की शक्ति विद्यमान है ऊपर यंत्र घूम रहा है नीचे मंत्र है गुनगुना रहा है ऊपर यंत्र नीचे मंत्र जब कोई संकट आ जाता है तो हम नमोकार मंत्र का जाप आरंभ कर देते हैं नमोकार मंत्र का जाप आरंभ कर देते हैं किसलिए कि उस मंत्र की अपनी एक शक्ति होती है उनमें बीजाक्षर होते हैं और वे मंत्र वे बीजाक्षर उनकी शक्तियां सारी आत्मा से प्रस्तुत होती है प्रस्तुत होती है आत्मा के हर गुण में हर शक्ति में अनंत शक्तियों में एक एक गुण की शक्ति अपनी अपनी शक्ति विद्यमान है और ये ज्ञान गुण उन सभी शक्तियों को मानो आच्छादित करता है कवर करता है उनकी प्रतिछाया ज्ञान की उनके साथ पड़ती है रहता है ज्ञान प्रत्येक शक्ति में ज्ञान है और उस ज्ञान को आत्मा का ज्ञान जानता है प्रत्येक शक्ति की विशेषता को यह आत्मज्ञान जानता है भाइयों समय सार पढ़िए आप आत्मख्याति टीका के अंत में आचार्य अमृत चंद्राचार्य ने जो सैतालीस शक्तियों का वर्णन किया है अगाध है उसको समझना भी हमारे अल्पबुद्धि के बाहर की बात है केवल सैतालीस और ऐसी अनंत शक्तियां भरी हुई है उन सैतालीस शक्तियों में कहा जाता है कि प्रत्येक शक्ति में ज्ञान क्रिया जुड़ती है उसको प्रकाशित करती है उसे समझती है क्या कहे इतना है गंभीर और हमारा अध्यात्म और उसके ये शोध कि इनको समझ पाना भी हमारे ताकत के बाहर है तो ऊपर अणु की शक्ति है नीचे मनु की शक्ति विद्या विद्यमान है और ऊपर यंत्र है घुमड़ रहा है यंत्र घुमड़ता है आवाज करता है ज्यादा गड़गड़ाहट करता है हम कहते ना उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं आवाज करते हुए आते है गड़ गड़गड़ाहट होती है पर जो आवाज करता है उनकी आवाज में वो ताकत कहाँ जो इस ज्ञान की शक्ति में है इस केवल ज्ञान की शक्ति में है नीचे मंत्र है वो तो गुनगुनाता है मंत्र का गुनगुनाना है वो गड़गड़ाहट नहीं करता हम नमोकार मंत्र का उच्चारण कैसे करते हैं गुनगुनाकर करते हैं जोरो जोरो से सबको सुनाई दे ऐसा मंत्र नहीं बोला जाता हो सके तो मन से ही बोला जाता है और अंदर तक उसे पहुंचाया जाता है अपने आत्मा की शक्तियों तक उसे ज्ञान शक्ति तक पहुंचाया जाता है मनोमन हम मर्यंतों को भी नमस्कार करते हैं सिद्धों को भी नमस्कार करते हैं आचार्यों उपाध्यायों साधुओं को नमस्कार करते हैं और मन में जब हम आंखें बंद कर कर अंदर उतर कर अंतर तमत के तल तक तह तक जाकर जब नमोकार मंत्र का उच्चारण अपने मन में करते हैं तो हम पाते हैं कि हम मंदिर में खड़े हैं भगवान की भव्य सुंदर मूर्ति सामने है हमने हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में वहा खड़े हैं अपने आप को हम मंदिर में देखते हैं देखिए अनुभूति कीजिए बड़ा आनंद आता है बहुत आनंद आता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता तो कहने का मतलब यह है कि हम मंत्र गुनगुनाते हैं एक मारक है एक तारक है एक एक शब्द को देखिए शब्द के उच्चारण में समानता नहीं है जितनी समानता उसके अर्थ में है एक मारक है एक तारक है मेघों से गिरने वाले उपल वर्षा ओलों की वर्षा पत्थरों जैसे उपलों की वर्षा मेघों की वर्षा बूंद वो ओले वो बर्फ के गोले छोटे बड़े आकार वाले कोण वाले वजन वाले भार वाले उनकी वर्षा की ताकत मारने के लिए वे आ रहे नीचे वे मारक है अणु की शक्ति मारक है मनुष्य को मारने के लिए उपयोग में लाई जाती है और यहां नीचे जो नमोकार मंत्र का गुनगुनाना है सहजता से वो गुनगुना तारक है तारने वाला है पार लगाने वाला है सारे उन ओलों की वर्षा को पार लगाने वाला है इसका मतलब ये हुआ कि उन सारे संकटों को जो मारने के लिए हमें आते हैं यहां कौन सा मारना है इस आत्म इंद्रा इस इंद्र की ताकत जो है वह ताकत मनुष्य को कर्मों के आधीन होने से मिथ्यात्व के आधीन होने से बचाने के लिए तर्क है जो कर्म के ओले हम पर गिर रहे है हैं उनसे बचाने के लिए उन कर्मों से छुड़ाने के लिए अगर मारक शक्तियां नहीं तारक शक्तियां हमारे पास है ये अत्यंत इंद्र वज्र की भांति अत्यंत कठोर जो किसी भी वस्तु को अंदर घुसने तक नहीं देती स्पर्श तक नहीं होने देती ऐसी अमृत शक्तियां तो ऊपर मारक है नीचे तारक है अब स्पष्ट शब्दों में आचार्य श्री ने इसका इंगित कर दिया एक विज्ञान है जिसकी आजीविका तर्कणा है ये जो सारे युद्ध श्रम में कथा चल रही थी ना इसके पीछे जो आचार्य की कहने की शैली है वो यहां दिखाई देती है एक विज्ञान है यह युद्ध विज्ञान और मनु के ज्ञान शक्ति का युद्ध है यह स्टार वार नहीं है जो आज दिखाई देता है यह विज्ञान की और मनुष्य के ज्ञान की ताकत है एक विज्ञान है जिसकी आजीविका तर्कणा है आजीविका किस पर जीता है यह विज्ञान ये विज्ञान तर्कणा पर जीता है तर्क करता है ऐसा होगा तो क्या होगा ऐसा होगा तो क्या होगा नए नए शोध जो भी विज्ञान ने लगाए हैं जो पहले नहीं थे एक एक शोध से विज्ञान ने सारे नए नए आयुधों को अपने कब्जे में कर लिया है तो इन शोधों ने तर्क का आधार लिया है ऐसा हो सकता है और फिर शोध शुरू कर देते हैं यह अनुसंधान विज्ञान का अंग है और ये विज्ञान की इस विज्ञान की आजीविका जीने की व्यवस्था तर्कणा है तर्क के आधार पर वह आगे बढ़ता है निर्मित करता है एक आस्था है जिसे आजीविका की चिंता ही नहीं है विज्ञान की आजीविका तर्कणा है और दूसरी हमारे जीव की हमारे चेतना की आजीविका है उसे तो आजीविका की जरूरत ही नहीं है चिंता ही नहीं है कि मैं किस पर चल रहा हूं क्या है मेरी उपयोगिता आजीविका मेरी क्या है किससे मेरा पेट भरेगा कौन सा अन्न मिलेगा कौन सा वस्त्र मिलेगा कितनी कमाई होगी कोई चिंता नहीं क्योंकि इस चेतना को इस जीव को इस जीवात्मा को खाने को नहीं मिलता वह ज्ञान का ही भरण पोषण चलता है उसका तो उसकी आजीविका की चिंता नहीं वह कौन है आस्था है श्रद्धान है वह दर्शन है अध्यात्म है जो अध्यात्म खाता है पीता है उस पर बैठता है उसे ही ओढ़ता है उसे ही अंगीकारता है वह उसकी उसमें दृढ़ विश्वास निर्माण करता है वह उसकी आस्था है उसका श्रद्धान कहिए, उसका श्रद्धान है उस श्रद्धान को किसी आजीविका की भला क्या चिंता मैं क्या खाऊंगा कैसे पेट भरेगा कैसे बाल बच्चे पोषण करूंगा कोई चिंता नहीं विज्ञान धर्म में लटका है ऊपर आकाश में क्योंकि सारा संशोधन आकाश में चलता है और जो आकाश में लटक रहा है उसे किसी ठोस भूमि का आधार नहीं मिलता वो तो केवल लटकता रहता है उसके आधार नहीं होने से उसके पैर कहीं नहीं टिकते उसको आखिर में शरण मिलेगी तो कहा मिलेगी धरती पर ही मिलेगी उस अज्ञान उस विज्ञान के शोधों को अगर कहीं शरण मिलती है तो एक धरती पर ही मिलेगी और कहीं नहीं क्योंकि वह अधर में लटकता है ना अंतराल में संशोधन करता है मंगल ग्रह का शोध किया वहां जाकर पहुंच गया चंद्र का शोध चल रहा है इस पर क्या ज्ञान के सूर्य तक वह पहुंच पाएगा अरे जल जाएगा वहां तक जा ही नहीं सकता तो उसे आजीविका की चिंता नहीं वह विज्ञान अधर में लटकता है अवकाश की चिंता करता है सारा अवकाश विज्ञान है ये उसका उसको कोई आधार ही नहीं है पैर टिकाने के लिए ऊपर ही ऊपर लटकता रहता है और ऊपर ही ऊपर क्रियाएं करता रहता है एक को धरती की शरण मिली है यही कारण है कि ऊपर वाले के पास केवल दिमाग है चरण नहीं है क्या बात है दो शब्दों में सारे विज्ञान को तहस महस करके रख दिया उसे आधार नहीं है पैर टिकाने को भी कहीं उसके पैर नहीं टिकने वाले धरती के सिवा एक आस्था को धरती की शरण मिली है मनु की शरण मिली है मानवों की शरण मिली है मानवों के ज्ञान की शरण मिली है और विज्ञान को किसकी शरण है अवकाश में अधर लटक रहा है वो तो उसके पास केवल दिमाग है सोचने की तर्कणा करने की ताकत है पर उसके पास कोई पाव नहीं है कोई चरण नहीं है कोई आश्रय नहीं है कि जिन चरणों को नमन करके ही हमारी आस्था को हम टिकाए रखते हैं आज भी हमें तीर्थंकरों के हमारे पूर्वाचार्यों के चरण की स्थापना पत्थरों की चरण की स्थापना जहां तहां मिलती है हम उन चरणों के भी अर्घ्य देते हैं नमन करते हैं पूजा करते हैं हमारे पास टिकाने के लिए आज भी एक से एक उत्तम ज्ञानी गुरुओं के चरण उपस्थित है हम उनके चरणों में जाकर शरण लेते हैं वे हमें ज्ञान देते हैं तो हमारे पास आस्था है विज्ञान के पास न आस्था है न चरण है केवल तर्कणा है केवल उसके पास दिमाग है तर्कणा करने के लिए हो सकता है कभी कभी आचार्य श्री नर्म विनोद कर देते हैं बड़े नर्म विनोद समझ में आना कठिन हो जाता है उस विज्ञान के पास केवल दिमाग है चरण नहीं है छूने के लिए चरण नहीं है स्वयं के पैर रखने के लिए भी चरण नहीं है हो सकता है उसके दिमाग को दिमक खा गए हो <laughs> दिमाग को दीमक खा गए बड़ा सुंदर शब्द है दीमक उसके दिमाग को दीमक एक बारीक बारीक कीड़े होते हैं लकड़ी को भी कुरेते रहते हैं लकड़ी को भी वो बिल्कुल शक्तिहीन बना देते हैं इतनी शक्ति की वह लकड़ी अपनी पूरी ताकत से कोई वजन पेल नहीं सकती कोई काम नहीं कर सकती भूसा निकलता है उससे उसकी सारी ताकत निकल जाती है वो दीमक केवल लकड़ी में ही नहीं वस्त्रों में भी दीमक लग जाती है वस्तुओं में दीमक लग जाती है कीड़े लग जाते हैं बारीक बारीक उसको कुरेद कुरेद कर खा लेते हैं शक्तिहीन बना देते तो विज्ञान की दिमाग को दीमक लग गई है कीड़े खा रहे उसके विज्ञान कौन से कीड़े तरकड़ाओं के कीड़े खा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो और भाइयों हमारे भी दिमाग को दिमुक कुरेद रहे हैं हम भी मिथ्यातों की तरह तरह की दिमक हमारे दिमाग को वो चाट रहे हैं। कुरेद कुरेद कर तहस महस कर रहे हमारे सोचने की शक्ति को और हम भी मिथ्यात्व के पीछे पड़े हुए हैं हमें उस सच्चे ज्ञान का सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु का अभासी नहीं होने देते मिथ्यात्व के की कीड़े खैर विषांतर हो रहा है तो यही कारण है केवल दिमाग चरण नहीं हो सकता है उनके दिमाग को विज्ञान के दिमाग को दिमक खा गए हैं उसके चरणों को भी दिमक खा गए हैं इसलिए वो कहीं पैर नहीं टिकाता उसके पैर कहीं टिकते नहीं उसके पैर कहीं होते नहीं तो उसके पैर टिकाने को कहीं जगह नहीं उसके पैर को दिमक खा गए हैं ताकत ही नहीं रही उसमें और नीचे वाला मनुष्य उसका ज्ञान चलता भी है ऊपर भी चढ़ सकता है हाँ ऊपर वाले का दिमाग चढ़ता चढ़ सकता है तब वह विनाश का पतन का ही पाठ पढ़ा सकता है तुलना है ना पहले ही बताई कि कलम आचार्यशी की कलम तुलना करने बैठ गई सौर मंडल और भूमंडल की तो सौर मंडल का दिमाग और भूमंडल का ज्ञान मनु का ज्ञान विज्ञान का ज्ञान अलग चीज है और मनु का मनुष्य का ज्ञान अलग चीज है तो ऊपर वाले का नीचे वाला चलता भी है नीचे वाले का दिमाग भी चलता है ज्ञान भी चलता है आगे आगे की ओर बढ़ता है ऊपर भी चढ़ सकता है उसका ज्ञान निर्मल होता जाता है अधिकाधिक अपने आप को समझने लगता है ऊपर चढ़ सकता है यानी क्या कर सकता है आकाश में जाता है ऐसा नहीं या मतितार्थ समझिए ज्ञान चढ़ सकता है ज्ञान अधिकाधिक खुला हो सकता है अधिकाधिक निर्मल हो सकता है जो ज्ञानावरण कर्म के बादलों से ढक गया था वो खुलने लगता है कर्म के आवरण उसके हटने लगते हैं और वह निर्मल होने लगता है और वह निश क्या कहते उसको जैसे काजल निकल जाता है ना आंखों से कालापन निकल जाता है उस प्रकार वह स्वच्छ होने लगता है और प्रसंगवश वह ऊपर भी चढ़ता है ऊपर कहाँ चढ़ता है अवकाश में नहीं ऊपर चढ़ सकता है अपने उपादान की ओर अपने आत्मज्ञान की ओर अपने स्वरूप की ओर सब कुछ पीछे छूटता जाता है निर्मलता के साथ ऊपर वाले का दिमाग भी चढ़ता है विज्ञान का भी दिमाग चढ़ता है पर वह दिमाग कहाँ किस ओर चढ़ता है वह विनाश का पतन का पाठ पढ़ाने की ओर चलता है आज जो विज्ञान सिखाया जा रहा है जो शोध लिखे जा रहे हैं शोध किए जा रहे हैं, वैज्ञानिक शोध करते हैं, इसको ढूंढते हैं, उसको ढूंढते हैं, अरे अभी मन भी नहीं मिला उनको कहाँ है और कैसा है और क्या उसकी ताकत है आत्मा तो बहुत दूर की बात है तो ऊपर वाला विज्ञान विनाश का ही पाठ पढ़ाता है और पतन का ही पाठ पढ़ाता है किसके पतन का वह सारी पृथ्वी के तहस नहस करने का धरती को नष्ट करने का पतन करने का पाठ पढ़ाता है समय इशारा कर रहा है हमें यहाँ विराम लेना है दो ही पंक्तियां रह गई थी नीचे का छंद थोड़ा बड़ा है इसलिए हम यहीं रुकेंगे अगले रविवार को फिर मिलेंगे परम पूज्य आचार्य के चरणों में त्रिवार नमोस्तु गुरुजनों के चरणों में नमोस्तु जो अल्पमती के दिमाग में उतरा समझा जाना बता दिया गलती हो तो आचार्य शि क्षमा विद्वजन मुझे अपनी गलतियों से अवगत कराएं। भाई बहनों आप भी कोई भी शंका पूछ सकते हैं अगर मेरी कोई गलती हो तो अवश्य दिखाइए सभी भाई बहनों को सस्ने जय जिनेन्द्रणी के ज्ञान से सुझे लो का लो सोवाणी मस्तारे कर